हेलो मेरा यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वीडियो में फिश कट साया कटिंग सीखेंगे। उसके लिए मैं 2 मीटर कपड़ा लेके आई हूँ। देखिए, अभी मैं कपड़े को पहले लंबाई में एक बार फोल्ड करने के बाद फिर चौड़ाई में एक बार फिर से फोल्ड करूँगी। देखिए, लंबाई में फोल्ड करने के बाद फिर से मैं चौड़ाई में एक बार फिर फोल्ड कर दूँगी। देखिए, ये साया कटिंग करने के लिए सिर्फ हिप राउंड और लंबाई की ज़रूरत होता है, और कुछ माप नहीं लगता। इसमें 2 ही माप में ये पेटीकोट कटिंग हो जाता है। तो देखिए, मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर चुकी हूँ। सबसे पहले हम लोग 1/2 इंच में एक निशान देंगे। ये सिलाई मार्जिन के लिए मैं ले रही हूँ। अब ये लाइन को हम लोग सीधा कर लेंगे। मैं बेल्ट के 1.5 इंच माइनस करने के बाद 34 में एक निशान दे रही हूँ। मेरा पूरी लंबाई 35.5 है, तो मैं बेल्ट के लिए 1.5 इंच माइनस करके 34 में एक निशान दे रही हूँ। देखिए, मैं निशान देने के बाद अभी मैं ये लाइन को सीधा कर लूँगी। अभी वो 1/2 इंच के नीचे से मैं लंबाई जो 34 जो है तो उसका लंबाई का 1/2 में एक निशान दूँगी, यानी कि 17 इंच में मैं एक निशान दूंगी। अभी इसी निशान के ऊपर 3 इंच और एक निशान दूंगी। ये थाई के लिए निशान दे रही हूँ। अब यही निशान को मैं सीधा कर लूँगी। उसके बाद हिप राउंड जितना है उसको अभी 4 से डिवाइड करने के बाद जितना निकलेगा उससे मैं 3 माइनस करूँगी। तो मेरा 36 है मेरा हिप राउंड, तो उसमें मैं 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा 9 निकला। तो 9 से मैं 3 माइनस कर रही हूँ तो मेरा 6 निकला। तो मैं 6 इंच में एक निशान दे दूँगी। हर साइज़ के लिए यही फॉर्मूला होगा। तो अब ये निशान को मैं सीधा कर लूँगी। अभी देखिए, ऊपर में हम लोग जितना हिप राउंड है उससे मैं 4 से डिवाइड करूँगी। करने के बाद फिर 1+ करूँगी। तो मेरा 9 निकला हिप राउंड, तो उसमें 1+ करने के बाद 10 निकला, तो मैं 10 में एक निशान दे रही हूँ। अभी इसी निशान को मैं सीधा कर लूँगी पूरा। अभी 10 इंच में मार्किंग देने के बाद वो सब निशान को मैं सीधा कर लूँगी। अभी 10 इंच में मुझे निशान देना है। अभी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर करने को मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग मेरा चैनल में नए हैं और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो देखिए, अभी थाई के लिए जो निशान दिए उससे अंदर मैं 1.5 इंच में निशान दे रही हूँ।
उसके बाद फिर लाइन के बाहर में एक 5 इंच में निशान देने के बाद अब ये निशान को मैं मिला दूंगी। ये हम लोग का घेरे के लिए निशान हो गया। ये साया पहने से बहुत अच्छा शेप आता है दोस्तों, जितना भी मतलब मोटे हैं ना तो स्लिम दिखते हैं, इससे बहुत सुंदर शेप आता है ये साया। तो अभी देखिए थाई से हिप को मिला दूंगी, देखिए क्योंकि ये साया फिटिंग होता है ना तो शेप बहुत अच्छा आता है साड़ी में, बहुत सुंदर लगता है। देखिए अभी शेप पट्टी में मैं अभी गोल राउंड दे दूंगी, हल्का सा राउंड देना है, हाथ से भी देने से चलेगा, सेब पट्टी है तो सेब पट्टी में दीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो हाथ से भी दे सकते हैं। देखिए अभी सारा निशान देने के बाद ये निशान के बाहर में 1-1 इंच में निशान दूंगी सिलाई मार्जिन के लिए। मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अभी हम लोग लाइन को सीधा कर लेंगे। अभी हम लोग नीचे में 1.5 इंच में निशान देंगे फोल्ड के लिए। अभी लाइन को सीधा कर लेंगे। अभी कोना में थोड़ा सा हल्का सा राउंड देना पड़ता है, नहीं तो कोना निकल जाता है पेटीकोट का। गोल सेप देने से अच्छा होता, कोना नहीं निकलेगा। अभी हम लोग कट कर लेंगे। देखिए हम लोग का कटिंग हो चुका है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ जो जॉइंट है ना उसको भी कट कर लेंगे। अभी हम लोग प्लीट के लिए निशान देंगे दूसरी तरफ 4 इंच में मैं एक निशान दे रही हूँ।
सामने और आगे में दोनों में सेम होगा। प्लेट के लिए निशान 3 इंच में एक निशान दे रही हूँ। अभी ये लाइन को सीधा कर लेंगे। इसका करने के बाद दोनों तरफ हाफ हाफ इंची में निशान दे देंगे। 1 इंच का टोटल 1 इंच का प्लीट होगा। क्या अभी प्लेट को थोड़ा डार्क कर लेंगे, करने से क्या होता है ना दूसरी तरफ भी इसका निशान आ जाएगा। देखिए दूसरी तरफ भी इसका निशान आ गया। अभी वो निशान को भी हम लोग थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का कटिंग पूरा हो चुका है। तो आज के वीडियो में आपको मैं इसका कटिंग दिखाई। अगले वीडियो में मैं इसका आपको टीचिंग दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं अगले वीडियो में इसका टीचिंग का वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय।